लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। अधिकतर एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष ने एग्जिट पोल के नतीजों को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से 400 के बीच सीट मिलता हुआ दिखाया जा रहा है, यानी कि एनडीए को इस बार पूर्ण बहुमत सरकार एग्जिट पोल ने दिखाया है। लेकिन हर बार एग्जिट पोल के नतीजे भी सही साबित नहीं होते हैं, कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े भी गलत साबित होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2004 का लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव के बाद सभी एग्जिट पोल ने अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया था। इस दौरान उन्हें 240 से 280 सीटें दी जा रही थी, जबकि कांग्रेस के गठबंधन को 180 से 190 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन नतीजे इसके उलट ही सामने आए थे। नतीजों में बीजेपी का गठबंधन 181 सीटों पर सिमटा, जबकि कांग्रेस के गठबंधन को 218 सीटें मिली और उन्होंने सरकार बनाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित नहीं हुए थे। इस दौरान सभी ने बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया था। लेकिन नतीजे आने के बाद कांग्रेस गठबंधन को 262 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी 169 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हो पाई थी। बात 2004 की करें तो 2004 में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंदी पर थे। तब इंडिया शाइनिंग का नारा जोरों शोरों से चल रहा था। एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार को एग्जिट पोल में 240 से 250 सीटों का अनुमान था, लेकिन हुआ ठीक इससे उल्टा। 2004 में एग्जिट पोल जनता का मूड भापने में पूरी तरह से असफल रहा था। सभी एग्जिट पोल अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन को तो जीत दिला रहे थे, लेकिन नतीजे बिल्कुल ठीक उलट हो गए। बीजेपी का गठबंधन 181 सीटों पर सिमट गया और कांग्रेस के गठबंधन को 208 सीटें मिलने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जिट पोल 2004 में फेल हो गए थे, और कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए कि 2004 वाली स्थिति फिर से 20 साल बाद यानी 2024 में दोहरा दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तमाम एग्जिट पोल जो एनडीए को बहुमत दिला रहे हैं, बहुमत में सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, कहीं ठीक इसका उल्टा यानी इंडिया गठबंधन को 180 से 190 के बीच जो सीट दिखाई जा रही है, कहीं वो ही 250 के ऊपर ना आंकड़ा छूले। बहरहाल देखना यह होगा कि जब मतगणना होगी तो नतीजे एग्जिट पोल गलत साबित करते हैं या फिर सही। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।